शर्मा, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो जिला रियासी के कालीधार क्षेत्र से आ रही है। आपको मैं बता दूं, आर्मी का वाहन जो है वो अनियंत्रण होकर भी सड़क में जो है वो अभी पलट गया है। राहत कार्य जो है वो उस वक्त अभी चल रहा है और आपको मैं बता दूं, लगभग 2 से 2.5 घंटे से ट्रैफिक जो है वो इस वक्त जाम है और 4 साढ़े 4 बजे के करीब ये वाहन जो है वो पलटा है। अभी इसका जो काम जो है वो चल रहा है, इसे सीधा किया जा रहा है, क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कालीधार क्षेत्र से आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार कालीधार क्षेत्र में ये वाहन जो है वो अनियंत्रण होकर जो है वो पलट गया है। कुछ तस्वीरें जो है वो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो कालीधार क्षेत्र की आ रही हैं। ये आपको मैं बता दूं, 20 सड़क में वाहन जो है जो पलट गया है। इस वक्त जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हमारे जो सूत्र हैं इस वक्त वो इस जाम में जो है वो अभी फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, राहत कार्य जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन कोई भी जान माल का नुकसान जो है वो अभी इसकी कोई भी जानकारी जो है वो अभी नहीं पहुंची है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, ये जानकारी आ रही है कि कोई भी जान माल का नुकसान जो है वो अभी नहीं हुआ है। ये शुक्र है भगवान का कि कोई नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिला है। फिलहाल जो ये रोड है ये काफ़ी व्यस्त रोड है और वहाँ पे मैं आपको बता दूं, जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इस रोड में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा बड़ा जाम जो है वो लगा हुआ है। क्रेन का सहारा लिया जा रहा है, क्रेन की मदद से उसे सीधा करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है और गाड़ी जो है वो उसे सीधा करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए, ये 20 सड़क में ये गाड़ी जो है वो इस तरह से पलटी हुई है। जब ये गाड़ी पलटी थी तब लाइट थी, तो अब मैं आपको बता दूं अंधेरा हो गया है। लोग जो हैं वो अभी इसके इसी मार्ग में जो हैं वो फंसे हुए हैं, जो जम्मू जा रहे हैं। जम्मू पुंछ रजौरी जाने आने जाने वाले लोग जो हैं वो अभी इस जाम में जो हैं वो फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त की कालीधार क्षेत्र से हम बता रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये बीचों बीच रोड के ये गाड़ी जो है वो पलटी हुई है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अभी भी मैं आपको बता दूं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है। और गाड़ी जो है वो पलटी हुई है, इसका कार्य जो है वो उसे बिल्कुल सीधा करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं वो कालीधार क्षेत्र की देख रहे हैं। अभी भी 1 से आधा घंटा का और समय जो है वो लग सकता है, ऐसी जानकारी जो है हमारे पास आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो सीधी कालीधार क्षेत्र से आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी कोई परिजन जो आगे कहीं जा रहा है तो वो आप फ़ोन करके जरूर उनकी सुध लें। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, राहत भरी साझे है कि कोई जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो अनियंत्रण होकर रोड के बीचों बीच जो है वो पलट गई है। ये तस्वीरें जो है वो सीधी कालीधार क्षेत्र से हमने आपको दिखाई हैं। अभी भी वहां पे जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ी को सीधा करने का प्रयास जो है वो क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अभी भी वहां पे जाम की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही ये क्रेन सीधी इसको करती है तो फिर जाके ये रोड जो है वो खुल पाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।